फ्रेंड्स, मैं रविकांत शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केवल इसके कुछ बेसिक टर्म्स का, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, या केमिकल काइनेटिक्स है क्या, हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों डिस्कस करते हैं, क्यों इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैं जनरली आपको अगर बोलूं कि इसको सिंपली हमको डिफाइन करना है केमिकल काइनेटिक्स को, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आप सब जानते हैं, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया बेटा कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विच डील्स विद, जिसमें हम क्या क्या डील करेंगे। पहला पॉइंट जिसमें जो हम इसमें डिस्कस करना है हमको, वो है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं इन शॉर्ट ROR बोलूंगा। तो अभी अपने आपको प्रिपेयर कर लीजिए कि ROR क्या है, ठीक है। तो ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड थर्ड पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे सर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। हाँ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो होता है, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? तो आज ये चीजें हैं जो हमको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़नी होती है। इस चैप्टर में भी हम यही चीजें सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फैक्टर्स डिस्कस करेंगे हम, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्लियर? चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और स्टार्ट हम चैप्टर को करेंगे बेटा आपकी फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन आप सबको पता है, नॉर्मली आप सब लोग जानते भी होंगे, ठीक है। जो भी हमारा रिएक्शन होती है, जितनी भी हमारी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं, उनमें नॉर्मली मतलब सभी में रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं बच्चों किसमें, प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स। कैसे? सपोज वी हैव ए प्लस बी एंड बोथ आर रिएक्टेंट्स, एंड वी आर चेंजिंग टू द रिएक्टेंट्स इन टू द प्रोडक्ट, दैट इज सी प्लस डी। वी कैन से ऑनली सी, या ए को हम कन्वर्ट कर दें बी में, या हम आर को कन्वर्ट कर दें पी में, है ना, आर कन्वर्ट्स टू पी, यानी कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स में, ठीक है।
तो जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट्स की अपनी कुछ कंसंट्रेशन होती है, प्रोडक्ट्स की अपनी कुछ कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में हम डिस्कस करते हैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे अपन, सिंपली इसको डिफाइन करेंगे हम कि इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अवर रेट ऑफ रिएक्शन। उसी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उसी को बोला जाएगा। कैसे, जैसे सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है आर और ये कन्वर्ट हो रहा है पी में, ठीक है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होता है पी में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आर है भाई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो कुछ भी थी, जिसने इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूं आर वन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन कितनी मान लेते हैं आर वन, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं पी वन। एक ही कॉन्सेंट्रेशन हो गई आर वन, एक ही कॉन्सेंट्रेशन हो गई पी वन एट टाइम या एट टी इज इक्वल टू टी वन पर। यानी कि आर वन थी, पी वन थी, कब, जब टेम्परेचर जो टाइम था वो कितना था टी वन। अब ये आर टू से कन्वर्ट हो गई किसमें, आर वन से कन्वर्ट हो गई आर टू में, और ये पी वन से कन्वर्ट हो गई पी टू में। तो सीधी सी बात है, इसको कन्वर्ट होने में कुछ तो टाइम लगा होगा बच्चों, टी इज इक्वल टू टी टू, एट टी इज इक्वल टू टी टू, ठीक है। तो अगर मेरे को चेंज निकालना है तो चेंज में बोलूंगा सर डेल्टा आर हो गया, ऐसे यहां पे क्या हो गया डेल्टा पी हो गया। अब ये जो चेंज आया है कंसंट्रेशन में डेल्टा आर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन क्या बोलेंगे आर ओ आर, इसी को क्या बोलेंगे आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी के जो भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की या जो भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है प्रोडक्ट की विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोलेंगे उसी को रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर हमारे पास, अगर मैं इसको सिंपली लिखना चाहूं, एक सिंपली इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा कि सर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कि मेन चीज क्या है कि वी आर चेंजिंग इन कंसंट्रेशन। तो अगर मैं उसको बोल दूं डेल्टा सी, यहां सी किसको डिनोट करेगा कंसंट्रेशन को, डेल्टा किसको डिनोट करेगा चेंज को, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। अच्छा डेल्टा सी इसको मैं बोलूं या मैं इसको बोलूं डीसी अपॉन डीटी बोलूं डजंट मैटर, ये भी हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब जो चेंज हुआ है वो बहुत कम हो, जब जो चेंज हुआ है वो बहुत थोड़ा सा चेंज हो, और अगर चेंज एवरेज है थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, लार्ज चेंज हुआ है तो उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट। इसको हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। चलो जल्दी से इसको भी नोट करो, कर लिया। अब बच्चों मुझे आप एक बात बताओ सिंपल सी,
कि अगर मेरे पास मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, जिसे मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, ए चेंज टू बी, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है सी वन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है सी टू, सॉरी इसी की भी कितनी है या कंसंट्रेशन आप मान लो मतलब स्टार्टिंग में ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों प्रोडक्ट, ये क्या हो गया हमारे पास रिएक्टेंट और ये क्या हो गया प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, तो ये जो ए है ये कन्वर्ट होता रहेगा बी में, भाई ए तो कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए से तो बी बन रहा है, तो अगर ए से बी बन रहा है तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो रही है लगातार डिक्रीज होगी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको मैं एक रिएक्टेंट बोल दूं सीधे, डिक्रीजेस है ना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है कम हो रही है। अब जैसे जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा सर इंक्रीज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बोलो भाई एक डिक्रीज हो रही है और एक क्या हो रही है इंक्रीज। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए, तो वहां पे साइंस जो साइन होते हैं हमारे नेगेटिव पॉजिटिव उनका बहुत बड़ा इंपोर्टेंस होता है, वो कैसे समझते हैं। अब मान लो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है रिएक्टेंट के लिए, इसके लिए लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं रिएक्टेंट के लिए लिखूंगा मतलब अभी हमने पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है कंसंट्रेशन में चेंज है चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं वो रिएक्टेंट के लिए भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट्स के लिए लिखेंगे तो आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है ये किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट्स, ये फॉर रिएक्टेंट्स हम लिख रहे हैं कि आर ओ आर इज इक्वल टू क्या हो गया सर भाई डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डीटी, भाई इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो डेल्टा ए अपॉन डीटी लेकिन विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमको, अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव साइन टेल्स अस कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अब जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन हमने यूज कर लिया। अच्छा अगर हम प्रोडक्ट्स के लिए लिखें, अगर हम बोले कि सर फॉर प्रोडक्ट्स क्या होगा, फॉर प्रोडक्ट्स अगर हम फॉर प्रोडक्ट्स आर ओ आर की बात कर रहे हैं, फॉर प्रोडक्ट्स अगर मैं आर ओ आर निकाल रहा हूं तो ये क्या होगा बेटा डेल्टा बी की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, डेल्टा बी अपॉन डी टी, अब डेल्टा बी बी क्या है आपका प्रोडक्ट है ठीक है, और ये जो डेल्टा है ये चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हेयर हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, क्यों क्योंकि बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार टाइम के साथ साथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, क्लियर। इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम एक नया पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, नोट करो जल्दी से इसको। अब जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हम हर रिएक्शन के लिए नहीं निकाल सकते, जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हैं उन सब रिएक्शंस के लिए अगर आप बोलो कि सर सारी रिएक्शंस के लिए क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो नहीं इट इज नॉट पॉसिबल, और कुछ के लिए पॉसिबल है भी तो उनका कोई जो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस है उसका कोई प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका वो कोई यूजफुल नहीं है हमारे लिए। कैसे, चलो पहले हम उसके लिए डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, एंड देन आई विल टेल यू कि किसका सिग्निफिकेंस है किसका सिग्निफिकेंस नहीं है, किसका रेट हमको फाइंड करना है किसका रेट हमको फाइंड नहीं करना है।
तो अगर मैं बोलूं आपसे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं वो है बेटा तीन टाइप। कितने टाइप हैं? तीन टाइप। वो तीन टाइप कौन कौन से हैं? वो तीन टाइप हैं, एक है हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस, एक है हमारी वेरी फास्ट रिएक्शंस, दूसरी है हमारी बच्चों वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस, और तीसरी है बच्चों मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस एंड थर्ड इज मॉडरेट रिएक्शन। चलो पहले वेरी फास्ट रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद वेरी स्लो के बारे में बताऊंगा एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द मॉडरेट रिएक्शंस। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जितनी भी हमारी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी हमारी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, ये जो विद इन फ्रैक्शंस हो जाती हैं, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, जो बहुत कम टाइम में हो जाती हैं, जिनको जिनके रेट को मेजर करने का हमको मतलब टाइम ही नहीं मिलता है ना, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस। कैसे? जैसे मान लो आपके पास कोई भी इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है सारे आयनिक रिएक्शंस, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं, या मैं बोल दूं जितनी रिएक्शंस में भी एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, जितनी रिएक्शंस में भी क्या होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, वो सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? वेरी फास्ट रिएक्शंस। कैसे? इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास है मान लो NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, तो यहां क्या होगा? आपको पता है कि जैसी NaCl की रिएक्शन में AgNO3 से कराऊंगा तो होगा क्या कि NaCl का जो ये Cl है और AgNO3 का जो ये Ag है, दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे? प्रेसिपिटेट बना देंगे, और वो इतनी जल्दी बन जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। AgCl प्लस NaNO3। अब इसमें हुआ क्या? तो ये रिएक्शन में कुछ भी तो नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अगर एक्वस फॉर्म में मैं इसको देखूं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमने क्या किया? पहले पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव था, अब इस Na के साथ क्या चला गया बच्चों? NO3, और Cl के साथ क्या चला गया? Ag। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केवल एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है, और वो एक्सचेंज ऑफ आयन्स इतनी जल्दी होगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इन रिएक्शंस का रेट हम लोग मेजर नहीं करते। दूसरी रिएक्शंस आती हैं बच्चों वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस। अब वेरी स्लो रिएक्शंस, अगर वेरी स्लो रिएक्शंस है तो वेरी स्लो रिएक्शंस वो होती हैं जिनको कंप्लीट होने में, जिनको कंप्लीट होने में कुछ महीने लग जाएं या कुछ साल लग जाएं, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस के एग्जांपल आप लोगों की डेली लाइफ में भी होगा, गाड़ी में जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब 2 महीने में लगे, 3 महीने में लगे, 6 महीने में लगे, 1 साल में लगे, है ना। तो अगर उसमें 1 साल में कोई अगर वो रिएक्शन 1 साल में हो रही है, 1 साल में वो रिएक्शन कंप्लीट हुई, 1 साल में वो रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो उसका रेट कब मेजर करेंगे? और अगर 1 साल बाद उसका रेट मेजर करेंगे तो उसका पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ भी तो नहीं है। और हम जो ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हम जो स्टडी करते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए कि मैं कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कैसे दूंगा, ठीक है, कम टाइम में मैं ज्यादा वर्क कैसे करूं। तो उसके लिए तो हमको बेटा ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा दुख देने वाली हैं, तो दुख देंगी, तो इनके लिए भी हम क्या करेंगे? रेट मेजर नहीं करेंगे, और उसका एग्जाम्पल आप लिख देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब थर्ड टाइप की रिएक्शन आती है हमारी कौन सी? मॉडरेट रिएक्शन। और इनके एग्जांपल्स होते हैं बच्चों जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस मॉलिक्यूलर होती हैं, उन सब रिएक्शंस को अपन बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी कि जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। अच्छा, इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपसे बिल्कुल सिंपली पूछूं कि या आपके साथ डिस्कस करूं कि अगर हम आपसे बोले कि हमारे घर पे
हम लोग दूध रखते हैं, उस दूध को कुछ देर बाद, जैसे मान लो सुबह दूध निकला 6 बजे 7 बजे निकला दूध, हमारे पास दूध आया और उसको हमने 12 बजे 1 बजे या 1:30 बजे या 11 बजे उसको गर्म दोबारा क्यों करना पड़ता है? वो खराब हो जाएगा, आप लोग बोलोगे वो खराब हो जाएगा। वो खराब क्यों हो जाएगा? उसके खराब होने का कारण है कि जो दूध है, जो मिल्क सैंपल है, मिल्क सैंपल में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ एक फाइनाइट टाइम में होने लगती है। एक फाइनाइट टाइम मतलब 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद उनकी उनमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मिल्क में तो बैक्टीरिया पहले से होते हैं, तो पहले बैक्टीरिया कम थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एक फाइनाइट टाइम के बाद बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो दूध क्या हो जाएगा? खराब। तो उसको रोकने के लिए, दूध खराब ना हो, हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इसमें उसको हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स में, ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे फैक्टर्स में। तो मॉडरेट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? मॉडरेट रिएक्शंस वो होती हैं जो एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाए, जो एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाए। अब फाइनाइट टाइम में कंप्लीट कैसे होंगे? जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल मैं लू, हैबर प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया N2+3H2 gives 2NH3। सर ये तो रिवर्सेबल रिएक्शन है। हाँ भैया रिवर्सेबल रिएक्शन है, बट मैं रिवर्सेबल का साइन यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे को केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करना है, जैसा देश वैसा भेस। यहाँ हमको जो रिएक्शन चेक करनी है या जो हमको रेट चेक करना है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चेक करेंगे, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको रिवर्सेबल का साइन यूज नहीं किया। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो एन है वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन की फॉर्म में होगा, ये जो एच है ये एच सिंगल बॉन्ड एच की फॉर्म में होगा, और ये जो यहाँ पर एन एच थ्री होगा यहाँ भी एन के साथ एच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, तब जाके ये नया बॉन्ड बनेगा। तो नया बॉन्ड बनने में, पुराना बॉन्ड टूटने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो कुछ जो टाइम लगेगा वो फाइनाइट होगा। कैसा टाइम होगा? वो फाइनाइट टाइम होगा। तो हम जो केवल रेट मेजर करेंगे वो करेंगे केवल मॉडरेट रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो जिन रिएक्शंस के रेट हमको फाइंड करने हैं इस चैप्टर में, या जो इस चैप्टर में हमको रिएक्शंस डिस्कस करनी है, दोज आर मॉडरेट रिएक्शंस। क्लियर है? नोट करो जल्दी से।